यूपी के मेरठ में एक बड़ा हादसा हो गया। एलपीजी गैस में रिसाव की वजह से कोतवाली क्षेत्र खंडक बाजार के एक घर में आग लग गई। इस घटना में दो बच्चियों की मौत हो गई। ये जानकारी नगर मजिस्ट्रेट अमित भट्ट की तरफ से दी गई। वहीं आग की घटना पर अब काबू पा लिया गया है। आग लगने की खबर की जानकारी तुरंत दमकल विभाग को दी गई, साथ ही पुलिस को भी इस घटना की खबर दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मेरठ के नगर मजिस्ट्रेट अमित भट्ट ने बताया कि गैस रिसाव की वजह से घर में आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस घटना में दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई। एक घर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गैस रिसाव की वजह से घर में आग लगी थी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की खबर दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। गैस सिलेंडर के रिसाव से आग लगी है, उसमें दो बच्चियों की मृत्यु हुई है, अलीजा और इनास। ये बच्चियां 21 दिन की और 11 दिन की थी। उनके पिता का नाम एक उमेर था और एक उनके पुलिस टीम आई है और रेवेन्यू की भी टीम है, उन लोगों ने संज्ञान लिया है और अभी जाँच चल रही है।